2019 के चुनाव के आगाज का रंग हरियाणा में भी दिखने लगा है, जहां कांग्रेस की बीएस यात्रा प्रदेश में निकली है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने दम पर प्रदेश में रथ यात्रा शुरू की है। आज पानीपत में मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा सनोली रोड से रामलाल चौक तक निकाली, जहां सभी धर्मों के लोगों ने 22 जगह मुख्यमंत्री का स्वागत किया। यात्रा समापन पर मुख्यमंत्री ने जनता का स्वागत और प्यार के लिए धन्यवाद दिया और जनता से लोकसभा के बाद प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। झारखंड रोड होते हुए माडोटान होते हुए रामनाथ चौक तक ये लगभग 3 घंटे की एक प्रकार से रोड शो का कार्यक्रम, ये यात्रा वास्तव में पानीपत में मैं पहले भी बहुत बार आया हूँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोगों ने जिस उत्साह से, जिस प्यार से, जिस उमंग से इसमें भाग लिया, जिस प्रकार से आपने मुझे दिया प्यार, उतना ही आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आदर सत्कार। ज्यादा संख्या हरियाणा में अगर नहीं है तो आज पानीपत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। केंद्र में हरियाणा में भी लगभग 4.5 साल की बिहार की सरकार, इतनी बड़ी संख्या आना यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों की कार्यप्रणाली पर, हमारी उपलब्धियों पर, प्रकार की ओर आप अपने भरे पेपर के हिसाब से अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बदल दबाना पड़ता है। भारी संख्या में न केवल पानीपत जिले की बल्कि हरियाणा जनता, हरियाणा की जनता भारी उत्साह से वोट करके फिर से केंद्र में मोदी की सरकार और 4 महीने बाद मनोहर सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी। जनसंपर्क का एक अभियान मैंने स्वयं शुरू किया है। उस जनसंपर्क यार में शहरों के अंदर रोड शो के मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं। 15वां रोड शो का आज ही मेरा कार्यक्रम है और अभूतपूर्व उत्साह आपने देखा। सनोली रोड से लेकर यहाँ तक हजारों की संख्या में, जिसका 3 घंटे तांता लगा हुआ था, बिल्कुल टूटा नहीं है काफला। और इस उत्साह का एकमात्र कारण है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार 5 साल चली, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं उसके ऊपर आज हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है, सारे देश की जनता मोहर लगा रही है। इसी प्रकार हरियाणा की भी 4.5 साल की जो हमारी सरकार है, हमारी उपलब्धियां, हमारी कार्यपत्ति, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। और मैं विश्वास लेकर चलता हूं कि जनता इसी उत्साह से हमको आने वाले लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमको जिताएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए वो तो एक नंबर का गेम होता है। अब चूँकि एक समय ऐसा था जब उनका नंबर ज़्यादा था, बाद में उनके 2 विधायकों का ध्यान हुआ, कुछ विधायक उनको छोड़ के चले गए। अब कांग्रेस से उनका नंबर कम हो गया है, इसलिए उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो नंबर के कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और ये इस्तीफा देने के बाद अब जो बाकी हमारे जो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया विधायक पद से। चुनाव लड़ने की आपकी जो तस्वीर है क्लियर होती है लोगों का? देखिए जितना उत्साह सारे हरियाणा में हर एक जगह पर, चाहे मेरी जनसभाएं हैं चाहे रोड शो हैं, इसी प्रकार का उत्साह दिखता है। और इस उत्साह के बाद सब लोगों को लगता है कि यहाँ चुनाव, आखिर चुनाव एक जगह से लड़ना है, 90 की 90 जगह उत्साह है तो 90 जगह तो चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है, वो चुनाव लड़ने के लिए हर एक नेता या कार्यकर्ता उसके बारे में तय करता है। फिर भी मेरा, चूँकि करनाल की जनता ने इतने बड़े उत्साह से, इतनी बड़ी भारी जीत से मुझे उस समय जिताया था और आज भी करनाल की जनता उसी प्रकार का प्यार मुझे करती है, इसलिए मेरी अपनी इच्छा तो यही है कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। सर, इन लोग पार्टी के जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहना है सर आपका इस बारे में? देखिए ये उनकी मर्जी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास किया, हमारे कार्यपति पर विश्वास किया, इसलिए अब उन्होंने वहाँ से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दूसरी पार्टियों में जो भी अच्छे लोग हैं, ठीक लोग हैं, वो जितने ज्वाइन करेंगे उनका सबका स्वागत है।